रहमतुल्लाहि व बरकातहू पीरियड का एक बड़ा ज़रूरी मसला है जो पूछा गया है और मसला ये है जो पूछा गया है कि मुफ्ती साहब ये बताएं किसी को पीरियड की मान लीजिए पाँच दिन की आदत है या सात दिन की आदत है या चार दिन की आदत है अब क्या हुआ कि पीरियड जो है वो पाँच दिन से या सात दिन से यानी जो भी आदत थी किसी की उस आदत से पीरियड का टाइम बढ़ गया तो फिर क्या होगा क्या ये बड़ा हुआ टाइम माना जाएगा या फिर जो आदत थी उसी को फॉलो करते हुए गसूल करके नमाज़ वगैरह पढ़ी जाएंगी ये मसला है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए किसी की आदत सात दिन पीरियड आने की है और पीरियड आ जाता है बारह दिन तो अब क्या होगा हम बारह दिन पीरियड के माने या सात दिन पीरियड के माने क्या करें हम या मान लीजिए किसी की आदत है सात दिन की पीरियड आ गया नौ दिन तो अब हम क्या समझें नौ दिन पीरियड के माने या सात दिन पीरियड के माने गसल वग़ैरह दोबारा करना पड़ेगा नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्या होगा तो ये बड़ा अहम मसला है ख़वाी इसमें बड़ा परेशान रहती हैं देखिए किसी की कोई आदत है पीरियड आने की मान लीजिए किसी की पाँच दिन आदत है पीरियड आने की अब क्या हुआ किसी महीने में पीरियड आ गया आठ दिन है ना? या नौ दिन या दस दिन यानी दस, या दस दिन के अंदर अंदर अगर पीरियड आया पाँच दिन की आदत थी पीरियड आ गया आठ दिन ठीक है मान लीजिए पाँच दिन पीरियड आया और आपकी जैसे आदत है पाँच दिन पीरियड आने की पीरियड आना बंद हुआ हैज़ आना बंद हुआ आपने गसल किया नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी आठवें दिन पीरियड फिर आ गया या पीरियड तो नहीं आया लेकिन हल्के हल्के धब्बे हैज़ के आपको नज़र आ गए हल्के हल्के निशान अब इसमें टेंशन होती है कि ये तीन दिन भी पीरियड के शामिल होंगे या सिर्फ पाँच दिन पीरियड के माने जाएंगे और इसको पीरियड नहीं माना जाएगा तो देखिए समझ लें कि पीरियड की जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग होती है शरीयत में वो दस दिन की होती है ठीक मान लीजिए आपको पाँच दिन पीरियड आया पीरियड आने के बाद बंद हो गया आपने गसल वग़ैरह कर लिया नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी अब मान लीजिए तीन दिन के गैप के बाद आठवें दिन दोबारा से फिर पीरियड आ गया या दोबारा हैज़ के और पीरियड के इस्पॉट आपको नज़र आए तो ये जो दिन गुजरे हैं ये भी पीरियड में शुमार हो जाएंगे और ये माना जाएगा कि आपको इस महीने आठ दिन पीरियड आया फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा पूरे पूरे सात दिन की है आदत के बाद आपका पीरियड बंद हो गया दो दिन के बाद फिर नवे दिन आ गया पीरियड तो दस दिन के अंदर अंदर जो भी स्पॉट वगैरह दिखेंगे है ना जो भी पीरियड जैसे जैसा कुछ दिखेगा या दोबारा से ब्लड आना शुरू हो जाएगा तो ये सब का सब पीरियड ही माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस महीने आपको नौ दिन पीरियड आ गया इस महीने आपको दस दिन पीरियड आ गया ठीक है तो फिर बंद होने पर आपको दोबारा मान लीजिए आठवें दिन पीरियड आ गया फिर आठवें दिन भी रहा और नवे दिन भी रहा और दसवें दिन बंद हो गया तो फिर आपको दोबारा गसूल करना पड़ेगा और ये सारा का सारा टाइम आपका पीरियड का ही माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस महीने आपको दस दिन पीरियड आया बात समझ आ गई दूसरा अहम मसला ये समझिए कि मान लीजिए आपको आपकी आदत पाँच दिन की है पीरियड आने की लेकिन किसी महीने आपका पीरियड बढ़ता ही चला गया और दस दिन से एक्स्ट्रा हो गया ग्यारह दिन हो गया बारह दिन हो गया तो दस दिन से अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर ये कहा जाएगा कि पाँच दिन को पाँच दिन जो आपकी आदत थी पीरियड आने की वही आपकी आदत का जो टाइम है पाँच दिन का वो पीरियड में शुमार होगा और बाकी के दिन ये इस्तिहाजा में शुमार होंगे यानी यह पीरियड का टाइम नहीं माना जाएगा बात समझ आ रही है मान लीजिए किसी खातून को पांच दिन पीरियड आया पाँच दिन पीरियड आने की आदत थी उसके बाद क्या हुआ अगले किसी महीने में अगले महीने में पीरियड आते ही चला गया दस दिन से क्रॉस हो गया ग्यारहवां दिन भी हो गया बारहवा दिन भी हो गया तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पांच दिन आप पीरियड के माइनस कर दो और फिर ये जो आ रहा है तो इसको ये कहा जाएगा ये किसी और वजह से आ रहा है ये पीरियड की वजह से नहीं आ रहा ये बाकी के दिन की आपको फिर नमाजें भी कज़ा करनी पड़ेंगी और गसल वग़ैरह करके गसल दोहराने की ज़रूरत नहीं है गसल तो आपने कर लिया था आपको नमाजें पढ़नी पड़ेंगी और ये दिन जो गुज़रे हैं आपके ये यही पाकि के ही माने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मसला क्लियर हो गया होगा कि दस दिन के अंदर अंदर अगर ये पीरियड रुक जाता है तो ये कहा जाएगा कि इस महीने आपकी आदत जो है वो चेंज हो गई और अगर दस दिन से क्रॉस हो जाता है है ना तो फिर पाँच दिन आपके पीरियड के माने जाएंगे और बाकी के दिन आपके इस्तेहाजा के माने जाएंगे। मुझे उम्मीद है मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इसको शेयर करें दूसरों तक पहुँचाएँ और भी बहुत कन्फ्यूज़न करने वाले मसाइल इस सिलसिले में हमारी खुवान को पेश आते रहते हैं कॉमेंट कीजिए इन शाला अगली क्लिप जो होगी वो इसी पर होगी जो आप लोग सवाल पूछोगी सलामैकम वरमि वर्काता